आपका वेदिका किचन किंग में स्वागत है। आज हम आपको मैक्रोनी बनाकर दिखाएंगे, जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, हमने मैक्रोनी बनाने के लिए कुछ सामग्री ले लिया, जिसमें 2 किलो मैक्रोनी लिया हमने, 1/2 किलो टमाटर ले लिया, 4 बड़े प्याज ले लिए, धनिया पत्ती ले लिया, 1 फूलगोभी रख लिया हमने, और ये नमक है, लाल मिर्च है, तेगी मिर्च है। अब हम चूल्हे में आग जला लेते हैं। अब हम चूल्हे पे पतीला रख लेते हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी में हम नमक डाल लेंगे। जब तक हमारा पानी उबल रहा है, तब तक हम प्याज, टमाटर, धनिया पत्ती, गोभी सब काट के रख लेते हैं। प्याज को हम बारीक काट लेंगे। हम टमाटर भी काट लेते हैं। देखिए, सब हमारी सब्जी, गोभी, टमाटर, प्याज, धनिया पत्ती, लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लिया था हमने, और हरी मिर्च काट के रख लिया। पानी अब हमारा उबल रहा है, इसमें हम थोड़ा तेल डाल लेंगे ताकि मैक्रोनी जो है चिपके ना। अब हम पानी में मैक्रोनी डालेंगे। अब इसे अच्छे से हम चला लेते हैं। देखिए, अब मैक्रोनी उबल के हमारा तैयार हो गया है। अब इसे हम छन्नी में छान लेंगे।
अब हम पतीला रख लेते हैं चूल्हे पे मैक्रोनी फ्राई करने के लिए। हम एक कटोरी तेल डाल लेंगे। जीरा डाल लेते हैं तड़के के लिए। प्याज डाल लेते हैं। इसे हम भूनेंगे हल्का ब्राउन होने तक। देखिए प्याज का कलर अब बदल चुका है। अब इसमें हम टमाटर डाल लेंगे, गोभी डाल लेंगे, हरी मिर्च डाल लेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लेंगे, अब हम इसे भूनेंगे ताकि गोभी अच्छे से पक जाए। लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे एक चम्मच। थोड़ा सा हमने मिक्स मसाला डाल लिया क्योंकि मैक्रोनी ज़्यादा है तो टेस्ट अच्छा आना चाहिए, इसलिए हमने मिर्च और मसाला डाल लिया। नमक डाल लेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल लिया। इसमें हम पानी डाल लेंगे ताकि मसाला चिपके ना और गोभी अच्छे से पक जाए। मैगी मसाला डालेंगे। मैगी मसाला डालने से स्वाद बिल्कुल अलग हो जाएगा। इसमें हम पनीर डाल लेंगे। अब इसमें हम मैक्रोनी डालेंगे। अब इसे अच्छे से हम चलाएंगे ताकि पूरे में मसाला मिक्स हो जाए।
देखिए मैक्रोनी बनके तैयार है। इसमें हम धनिया पत्ती डाल लेंगे। अब हम मैक्रोनी को बच्चों को सर्व करेंगे। अब हम बच्चे को दोने देंगे ताकि बच्चे मैक्रोनी आराम से खा सके। अब हम बच्चों को मैक्रोनी सर्व कर रहे हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नए वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।